भी था कि लिंक्डइन पर हम क्यों हमें यूज करना चाहिए और क्या ये जॉब हंटिंग में फायदा मंद है। देखिए, एक टर्म है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, और जिसको ये चीज समझ में आ गई वो बिजनेस भी कर सकता है, वो फ्रीलांसिंग भी कर सकता है, वो जॉब भी ढूंढ सकता है। अब लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है क्या, जिसकी सर्विसेज मैं भी देती हूँ, कि लाइक इसका मतलब ये है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, कि आपका जो आपका प्रोफाइल है उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो सर्चेज में। आपका प्रोफाइल की जो विजिबिलिटी है, इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ योर प्रोफाइल इन सर्चेज। अब वो मुमकिन कैसे है? वो मुमकिन जैसे तब होगा जब आपका प्रोफाइल कंप्लीट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिक्रूटिंग मैनेजर हूँ, मैं हायरिंग मैनेजर हूँ, रिक्रूटर हूँ, मैंने किसी बंदे को हायर करना है, तो जब मैं लिखूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्केटिंग मैनेजर लाहौर लिखा, ठीक है हमें, तो जब जितना मेरा आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगा, कंप्लीट होगा, उसकी पिक्चर से लेकर उसकी स्किल्स, सर्टिफिकेट्स, एंडोर्समेंट्स, मतलब सारे सेक्शन, समरी, हेडलाइंस, सब कुछ कंप्लीट होंगी और कीवर्ड्स यूज किए होंगे, तो आपका प्रोफाइल मेरे सामने विजिबल हो जाएगा। इसका ये बिल्कुल मतलब है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो इसके कुछ चीजें हैं जिसे अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इन चीजों को एक्सप्लोर करें, सीखें कि हमने अपना प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करना। अब लोग कहते हैं, मैं लिंक्डइन पर हूँ, मैं इतने नेटवर्क बना लिया, मैंने 1,000 लोग बना लिए, 2,000 कर लिए, 30,000 कर लिए, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, मेरी सेल्स जनरेट नहीं हो रही। आप अपना प्रोफाइल देखें, आपकी प्रोफाइल पे अगर हामिद आपने, जैसे अगर मेरा देखा हो तो देखें, जो कुछ मैंने अपनी हेडलाइन में लिखा है, जो कुछ मैंने अपनी समरी में लिखा है, जो कुछ मैंने अपने सर्टिफिकेट से शो करती हूँ, मैं वही अपनी वॉल पर भी लगा रही होती हूँ। मेरी सारी एक्टिविटीज कॉपी पेस्ट नहीं होती, मेरा कोई कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं होता, ना मैं कहीं से कोई वीडियो उठाती हूँ, मेरा अपना ओरिजिनल कंटेंट होता है, जो मेरी पर्सनालिटी, मेरे ब्रांड की आइडेंटिटी होता है। तो लिंक्डइन आप समझिए एक पर्सनल ब्रांडिंग है, आपको एक मतलब प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो अब इसी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे होगा, कुछ छोटी छोटी बातें मैं जल्दी से वाइंड अप करूंगी, कि लाइक फॉर एग्जाम्पल पिक्चर है, सबसे पहला उसका पिक्चर। सो पिक्चर आपके शोल्डर से आपके हेड तक हो। अब लड़कियां भाई नहीं, अगर आपने लिंक्डइन अपनी पिक्चर लगानी तो व्हाई आर यू ऑन लिंक्डइन? आप हाथ रख लो, आप दरख्त, पौधे, जानवर, पता नहीं, समझ नहीं आती ये तस्वीरें अजीबो गरीब लगाई होती हैं। अच्छा, क्योंकि ट्रेनिंग दे रहे हैं तो दूर से पिक्चर लगाई हुई है, या अगर समंदर के पास बैठे हैं, इससे किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, हेडलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है, और हेडलाइन के ऊपर मेरी सबा दी फिलोसोफर जो चैनल है, एक वीडियो भी बनी हुई है कि कौन से कीवर्ड्स यूज करने चाहिए। हमारी जो सबसे मेन चीज हेडलाइन, सबसे, इवन मैंने खुद बहुत मेहनत की है इस हेडलाइन के ऊपर, कि किस तरीके से मैं विजिबल हो जाऊं, मेरी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। इसका आसान तरीन हल ये है, फॉर एग्जाम्पल आप सीईओ हैं, जैसे हामिद आप माशाल्लाह से सीईओ हैं और आईटी इंडस्ट्री में हैं, तो अगर आपने अपनी हेडलाइन बनानी है, तो आप देखिए, आप औरों की भी सर्च करें, जो अच्छे अच्छे जो सीईओज हैं उनकी देखें कौन से कीवर्ड्स यूज किए हैं। आपकी हेडलाइन में आपका नाम और आपकी जो जॉब है डेजिग्नेशन, साथ में यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए जो लोग नहीं लिखते। हामिद एट द रेट जो भी कंपनी का नाम है, डेट्स इट। नो, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, अवॉइड जेनेरिक वर्ड्स। तो इसका मतलब एक तो ये है कि जैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको जरूर अगर लोग देख रहे हैं तो वो इसके बाद जरूर उसको भी देखें। तो कीवर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोफाइल हाईलाइट हो जाता है। तो इसका एक, वैसे मैंने आपको टिप दी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप औरों की देखें। अगर आप करियर कोच हैं, जैसे मैं करियर कोच हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरा कैसे विजिबल होगा। इवन मैं देखती हूँ डेली, हर 2-3 दिन बाद, हामिद के मेरा प्रोफाइल कितने लोगों ने देखा 90 डेज में, तो 4,000+ होता है। जैसे ही जरा गिरना शुरू होता है, मैं फौरन से वर्किंग करना शुरू कर देती हूँ कि मतलब ये कम क्यों हो रहा है। और अपियरेंसेस में मेरा जो प्रोफाइल है वो सर्च अपियरेंस में ज्यादा क्यों नहीं शो हो रहा? तो इट्स ऑल द गेम ऑफ कीवर्ड्स। तो इसका आसान है, औरों की भी देखें, अगर आप करियर कोच हैं, ट्रेनर हैं, स्टूडेंट हैं, कि उन्होंने क्या क्या यूज किया हुआ है, आप भी उस तरीके से अच्छी हेडलाइन यूज करें। जितनी अच्छी वो होगी उतना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगा। फिर समरी का है, समरी 3-4 पैराग्राफ में लिखें, खुद लिखें प्लीज, और जो कुछ आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपने हासिल किया है वो आप लिखें।
और फिर और सेक्शंस हैं जैसे एजुकेशन का है, आपने जहाँ जहाँ से लिया। अब इसमें मसला ये होता है कि लोग जैसे अगर लिखा है एजुकेशन ईयर नहीं लिखते हैं, मतलब तो कंप्लीट जी नहीं किया होता। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने किया, तो आप लिखो पंजाब यूनिवर्सिटी करोगे तो उसका पेज का वो आ जाएगा, बिल्कुल आप उस पर क्लिक करोगे तो उसका लोगो आ जाएगा। आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है उस कंपनी, क्यूडेमी का लिया है, कोर्सेरा का लिया है, आप क्लिक करेंगे वो नाम आ जाएगा। क्रेडेंशियल जो है आप ऐड करें तो कंप्लीट योर प्रोफाइल।